हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित कुमार है। ये मेरा वीडियो दूसरा है, BHU ओल्ड क्वेश्चन पेपर सन 2010 का, जिसमें कि मैंने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक मैंने सॉल्व करा रखे हैं। तो ये मेरा अब दूसरा पार्ट है सन 2010 का, BHU का ओल्ड क्वेश्चन पेपर M.Tech इन सोइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के लिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे 40 के नेक्स्ट 60 तक। इस वीडियो में मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 41 है। इससे पहले मैंने 40 ऑलरेडी सॉल्व करा रखे हैं, तो ये 41 से स्टार्ट करूंगा। द यूनिवर्सल सोइल एसोसिएशन परमे प्राइमरली डेवलप्ड फॉर स्मॉल वाटर सेट एस्टिमेटेड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परमिसेबल एनुअल सोइल लॉस। ऑप्शन नंबर सेकेंड, मैक्सिमम एनुअल सोइल लॉस। ऑप्शन नंबर थर्ड, एवरेज एनुअल सोइल लॉस। ऑप्शन नंबर फोर्थ, मिनिमम इम्प्रेसिवेबल एनुअल सोइल लॉस। तो जो इसका राइट आंसर है वो है एवरेज सोइल एनुअल लॉस, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, द मोस्ट एक्टिव पोर्शन ऑफ द गली इज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द गली टेल। ऑप्शन नंबर सेकेंड, द गली हेड। ऑप्शन नंबर थर्ड, द गली बैंक्स। ऑप्शन नंबर फोर्थ, द गली बेड। तो जो इसका राइट आंसर है वो है गली बेड, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 43, ड्रॉप स्पिलवे स्ट्रक्चर आर यूजली लिमिटेड टू ड्रॉप आउट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3 मीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड, 5 मीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड, 10 मीटर। ऑप्शन नंबर फोर्थ, मोर देन 10 मीटर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3 मीटर। देन क्वेश्चन नंबर 44, कट ऑफ वॉल इन स्पिल वे इज प्रोवाइडेड टू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चेक पाइपिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड, चेक इरोजन। ऑप्शन नंबर थर्ड, इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ इरोजन। ऑप्शन नंबर फोर्थ, प्रोवाइड वियर एट्रेशन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है फर्स्ट, चेक पाइपिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, द स्टीलिंग बेसिन विद अ स्वीट स्पिल वे इज प्रोवाइडेड फॉर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एनर्जी फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर सेकेंड, एनर्जी डिस्पेशन। ऑप्शन नंबर थर्ड, एनर्जी सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड है डिस्चार्ज मेजरमेंट। ऑप्शन नंबर फोर्थ है वेव फॉर्मेशन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सेकेंड, एनर्जी डिसिपेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, द इक्विपमेंट विच कॉन्टीन्यूअसली रिकॉर्ड द वाटर लेवल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज कॉल्ड एज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, करंट मीटर। ऑप्शन नंबर सेकेंड, पार्सल फ्लूम। ऑप्शन नंबर थर्ड, डिस्चार्ज रिकॉर्डर। ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्टेज लेवल रिकॉर्डर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है फोर्थ, स्टेज लेवल रिकॉर्डर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, द सस्पेंडेड सेडिमेंट इन अ फ्लोइंग स्ट्रीम इज मेजर्ड बाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अ स्टेज लेवल रिकॉर्डर। ऑप्शन नंबर सेकेंड, अ पार्सल फ्लूम। ऑप्शन नंबर थर्ड, अ कॉस्टन व्हील सैंपलर। ऑप्शन नंबर फोर्थ, अ सेपोल्टी वियर। तो जो इसका राइट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है, अ कॉस्टन व्हील सैंपलर।
फिर क्वेश्चन नंबर 48, शेल्टर बेल्ट आर मोस्ट इफेक्टिव इन इफ इंस्टॉल्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एट एन एंगल ऑफ 45 फ्रॉम द प्रेवलिंग विंड डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर सेकंड, एट एन एंगल मोर देन 19 डिग्री फ्रॉम द प्रेवलिंग विंड डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर थर्ड, पैरेलल टू द प्रेवलिंग विंड डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर फोर्थ, परपेंडिकुलर टू द प्रेवलिंग विंड डायरेक्शन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, परपेंडिकुलर टू द प्रेवलिंग विंड डायरेक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 49, द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सिल्ट एंड क्ले एंड सॉरी द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सिल्ट सैंड एंड क्ले डिटरमाइंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोइल स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर सेकंड, सोइल टेक्सचर। ऑप्शन नंबर थर्ड, सोइल रिच। ऑप्शन नंबर फोर्थ, सोइल स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड है, सोइल टेक्सचर। और यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा याद भी रखिएगा क्योंकि सोइल स्ट्रक्चर और सोइल टेक्सचर में अक्सर गलती हो जाती है टिक करते टाइम, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, द प्रेशर ऑफ सोइल वाटर अबव द वाटर टेबल इज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन नंबर सेकंड, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन नंबर थर्ड, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन नंबर फोर्थ, नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर है लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद है न्यूमेरिकल, इफ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, इफ एन इजकल टू पंप स्पीड आरपीएम, क्यू इजकल टू पंप डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड, एच टोटल हेड मीटर, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप विल बी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सेकेंड, एन क्योंकि पावर 1/2 अपॉन एच की पावर 3/4, ये इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, फोर पार्शियली पेनिट्रेटिंग वेल द डेप्थ ऑफ ऑब्जर्वेशन वेल शुड बी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ टेस्ट वेल। सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड, टू टाइम्स द डेप्थ ऑफ टेस्ट वेल। ऑप्शन नंबर थर्ड, इक्वल टू डेप्थ ऑफ टेस्ट वेल। ऑप्शन नंबर फोर्थ, 3/4 टाइम्स द डेप्थ ऑफ द टेस्ट वेल। तो जो इसका राइट आंसर है वो थर्ड है, इक्वल टू डेप्थ ऑफ टेस्ट वेल। क्वेश्चन नंबर 53, ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप एंड फैलो इज गिवन एरिया इज रिफर टू एज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ऑप्शन नंबर सेकंड, क्रॉपिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर थर्ड, क्रॉपिंग पैटर्न। ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्रॉपिंग अरेंजमेंट। तो जो इसका राइट आंसर है वो है क्रॉपिंग पैटर्न, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, द फील्ड कैपेसिटी एंड अवेलेबल सोइल मॉइस्चर आर रिफर्ड टू एज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोइल मॉइस्चर कंटेंट्स। ऑप्शन नंबर सेकंड, सोइल मॉइस्चर फिजिक्स। ऑप्शन नंबर थर्ड, सोइल मॉइस्चर रेंज। ऑप्शन नंबर फोर्थ, सोइल मॉइस्चर इंडेक्स। तो जो इसका राइट आंसर है वो है फर्स्ट, सोइल मॉइस्चर कंटेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन टोटल पोर वॉल्यूम इज रिफर टू एज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ वेटनेस। ऑप्शन नंबर टू, सेचुरेशन। ऑप्शन नंबर थ्री, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ऑप्शन नंबर फोर्थ, मॉइस्चर कंटेंट। तो जो इसका राइट आंसर है वो डिग्री ऑफ सेचुरेशन।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, द सम ऑफ एक्सचेंजेबल कटायन एब्जॉर्ब बाय सोइल एक्सप्रेस्ड इन मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ सोइल इज रिफर्ड टू एज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कटायन एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर सेकेंड कटायन प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर थर्ड एक्सचेंजेबल कटायन, ऑप्शन नंबर फोर्थ कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। फिर क्वेश्चन नंबर 57, ब्रिजिंग एक्शन इन ट्यूब वेल कैन बी ब्रोकन बाय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डेवलपिंग वेल बाय ओवर पंपिंग, ऑप्शन नंबर सेकेंड डेवलपिंग वेल बाय सर्जिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड कंस्ट्रक्टिंग वेल बाय रिवर्स रोटरी मेथड, ऑप्शन नंबर फोर्थ कंट्रोलिंग पीएच ऑफ ग्राउंड वाटर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड डेवलपिंग वेल बाय सर्जिंग। क्वेश्चन नंबर 58, द सम ऑफ वेल लॉस एंड फॉर्मेशन लॉस इज नोन एज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट टोटल वेल लॉस, ऑप्शन नंबर सेकेंड फ्रिक्शन लॉस, ऑप्शन नंबर थर्ड ड्रॉडाउन, ऑप्शन नंबर फोर्थ हेड लॉस। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ड्रॉडाउन। क्वेश्चन नंबर 59, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ लैंड लेबलिंग डिजाइन इज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रोफाइल मेथड, ऑप्शन नंबर सेकेंड प्लेन इंस्पेक्शन मेथड, ऑप्शन नंबर थर्ड कंटूर एडजस्टमेंट मेथड, ऑप्शन नंबर फोर्थ प्लेन मेथड। तो जो इसका राइट आंसर है वह है प्लेन मेथड, ऑप्शन नंबर फोर्थ। देन क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर टू द डेप्थ ऑफ इरीगेशन वाटर इज रिफर्ड टू एज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ड्रेनेज कोफिशियंट, ऑप्शन नंबर सेकेंड लीचिंग रिक्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर थर्ड फ्रैक्शन ऑफ ड्रेनेज वाटर, ऑप्शन नंबर फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड लीचिंग रिक्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं बस इतने ही क्वेश्चन बताऊंगा, इसके नेक्स्ट पार्ट में फिर अब मैं 60, 61 से 90 तक कवर करूंगा। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस टाइप से चाहिए, कुछ सजेशन दीजिएगा जैसे बनाने में आसानी हो, और आप लोगों को किस टाइप से चाहिए मतलब एक्सप्लेन करके इनको बताना है या इसी टाइप से आपको चाहिए, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे हम आप वीडियो डालते रहें और आपको मिलती रहें। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर हल कर लेंगे 2010 से 2019 तक, तो मान लीजिए कम आपका 70-80 क्वेश्चन तो इसी पेपर से ही आ ही जाएगा, 100% गारंटी के साथ मैं ये बात बता रहा हूँ, और हर साल यही होता भी है। तो परेशान नहीं होना है, पढ़ना है अच्छे से बस। चलिए ठीक है, थैंक यू।